फाइनली कहीं ना कहीं पीएम का प्राइम मिनिस्टर कप की जो है वो डेट्स कहीं ना कहीं अब अनाउंस हो चुकी है, और अभी सुबह सुबह ही कैन ने जो है अनाउंस किया ऑफिशियली इन डेट्स को। और डेट्स क्या कुछ है वो आपको जरूर यहाँ पे बताते हैं, शेड्यूल क्या है, किस फॉर्मेट में किस तरह से खेला जाना है, ग्रुप्स में डिवाइजन किस किस तरह से है। एंड शुरू करें सबसे पहले तो ये पूरा टूर्नामेंट कितने तारीख से कितने तारीख तक का है? नहीं बिल्कुल, टूर्नामेंट की बात करें तो ये 30 अक्टूबर से, जी हाँ, यानी कि 30 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 नवंबर यानी कि 12 नवंबर अगले महीने की उसमें फाइनल खेला जाएगा। बिल्कुल, तो जो आपके लिए तो एक रिमाइंडर के तौर पर बता दें कि जो शायद नेपाल से नहीं है, कोई और सुन रहे हैं उनके लिए बता दें कि प्राइम मिनिस्टर कप जो है नेपाल का एक 50 ओवर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जो कहीं ना कहीं काफी बेहतर, काफी लंबे वक्त से चला रहा, बहुत ज्यादा मेन है, बहुत मेजर टूर्नामेंट उनका है डोमेस्टिक की अगर बात करें तो, वो शुरू होने वाला है 30 तारीख से शुरू होगा और 12 को खत्म होना है। अब यहाँ पर बात कर ले टीम्स के बारे में, सबसे पहले इसमें टीम्स कितनी खेलने वाली है और ग्रुप्स में कौन कौन से डिवाइडेड है, कौन से ग्रुप में कौन सी टीम्स है? बिल्कुल, और इसमें 10 टीमें को रखा गया है ओवरऑल, और 10 टीमें खेलेंगी मैचेस, और 2 ग्रुपों में इन्हें बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, उसमें 5-5 टीमें डिवाइड कर दी गई हैं। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो नेपाल एपीएफ क्लब उसमें शामिल है, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्नाली प्रोविंस, गंडकी प्रोविंस और सुदूर पश्चिम प्रोविंस, तो ये 5 टीमें इस ग्रुप ए में मौजूद है। बिल्कुल ग्रुप बी की बात करें तो नेपाल पुलिस क्लब, बगमती प्रोविंस, लुम्बिनी प्रोविंस, मधेश प्रोविंस और प्रोविंस नंबर 1, ये टीमें इस ग्रुप बी में मौजूद है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ग्रुप ए और ग्रुप बी में ये सब टीम शामिल है जो आपस में कहीं ना कहीं टकराने वाली है इन मैचेस में। अब अगर मैच की डेट्स की बात कर ले यार और पूरे फॉर्मेट की बात कर ले तो पर हर डे कितने मैचेस होने, सबसे पहले ये अब आप बता दें। नहीं बिल्कुल, देखिए 30 अक्टूबर से ये शुरू होगा जहां पर 2 मैचेस, सबसे पहले तो 2 मैचेस डेली खेले जाएंगे, पर डे 2 मैचेस होंगे लीग में, जो लीग स्टेज होगा ग्रुप स्टेज वहां पर खेले जाएंगे। 30 को मैचेस है, 31 को है, उसके बाद ऐसे करते हुए 8 अक्टूबर तक जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस है हर दिन 2 मैचेस वो पूरे होंगे। बिल्कुल, और 2 मैचेस होंगे, एक ट्यू में होना है और एक बाजी में, एक ही दिन अलग अलग ग्राउंड पे होने हैं, 50 ओवर का है, T20 का है, नहीं कि एक ही ग्राउंड में करा लिया जाए, अलग अलग इवेंट पे होने हैं। तो खैर ये तो बात हो गई कि 30 से लेकर 8 तारीख तक ग्रुप स्टेजेस है, सेमीफाइनल और फाइनल है। बिल्कुल, और सेमीफाइनल की बात करें तो 9 अक्टूबर को, जी हाँ, ये खेले जाने, बिल्कुल माफ कीजिएगा, 10 अक्टूबर को ये खेले जाने हैं। 9 अक्टूबर को रेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, सेमीफाइनल से पहले अच्छी है कि रेस्ट दिया है, 10 अक्टूबर को रेस्ट है, उसके बाद 11 को फिर रेस्ट है, जी हाँ, और 12 तारीख को यहाँ पर मेगा इवेंट यानी कि फाइनल होगा दो टीमों के बीच जो आपस में भिड़े। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 10 टीमों के जितने भी प्लेयर्स हैं, एक चीज माइंड में याद रखिए कि एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है आपका इंटरनेशनल टीम पहुंचने का, जो भी यंग प्लेयर्स इसमें खेलने वाले हैं, डेली क्रिकेट की पूरी नजर इस पीएम कप पे रहने वाली है, सारी परफॉर्मेंस पे नजर रहेगी, ध्यान रहेगी और कहीं ना कहीं आपके सामने प्रेजेंट करने की डेली क्रिकेट जरूर कोशिश करेगा। ऑल द बेस्ट सारे प्लेयर्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यंग प्लेयर्स है वो जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर होने की कोशिश करें ताकि आप नजर में आ सके, लाइमलाइट में आ सके और इंटरनेशनल लेवल के लिए खुद को कहीं ना कहीं तैयार कर सके। तो ऑल द बेस्ट सारी टीम्स को, एक अच्छा कंप्लीट टूर्नामेंट देखने को मिले, कुछ अच्छे प्लेयर्स निकले, अच्छे बल्ले से रन निकले, क्योंकि आने वाला जो टूर है वहां पर 3 बड़ी सीरीज आनी है अगले आपके 2 महीने में, वहां पर बहुत जरूरत पड़ेगी एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से लेकर चले। बाकी इस पूरे पीएम कप की एक कंप्लीट शेड्यूल जो है वो हमने कम्युनिटी टैब में डाल दिया है, प्लीज अभी जरूर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लाइक जरूर करें।